नमस्कार, आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। मैं यानी प्रतीक भट्ट लेकर आया हूँ नौ दुर्गों के नौ स्वरूपों के बारे में चर्चा। उसी के साथ साथ आपको हर रोज बताऊंगा नौ दिन में कैसे करें राशि अनुसार पूजा, क्या रहेगा आपका राशिफल और किस देवी की कैसे पूजा करनी है और उनसे कैसे वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, रोज एक देवी पर चर्चा करेंगे, उनके ग्रहों से उनका तालमेल बताएंगे कैसा रहता है और उन देवी की पूजा करके आप किस ग्रह को शांत कर सकते हैं वो भी बताएंगे, क्या दान होगा, कौन सा शुभ रंग होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज जैसे कि नवरात्र शुरू हो रही है, 10 अक्टूबर सुबह के 6:20 से 9:50 तक आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए और पूजा शुरू कर देनी चाहिए। यह नवरात्रि का पहला और दूसरा दिन भी है। प्रतिपदा और द्वितीया तिथि एक ही दिन होने से माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारी दोनों देवियों की पूजा बुधवार को घट स्थापना के साथ ही करनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण, वहाँ पर आपको स्थापना करनी है और पूजा शुरू करनी है। और पूजा में कुछ चीज़ें, कलश स्थापना कैसे करें, क्या क्या रखना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए पहले से ही और आप अपनी पूजा विधि विधान से माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी को ध्यान करते हुए शुरू करें। माँ शैलपुत्री के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। कहा जाता है माँ दुर्गा पर्वतराज हिमालय की कन्या है और मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की बेटी हैं और भोलेनाथ शंकर जी की पत्नी थी, तभी इनका नाम सती था। और नवरात्रि के दिन श्रद्धा अनुसार माँ का, माँ शैलपुत्री का भजन करिए, पाठ करिए और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कर लीजिए। तो ये खासा महत्वपूर्ण हो जाता है आज अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो अब आपको बता देता हूँ प्रथम नवरात्र के दिन कौन सा रंग और कौन सा प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए। प्रथम नवरात्र में आप पीले रंग के वस्त्र पहनिए और पीले रंग के ही वस्त्रों से माँ का कहीं ना कहीं श्रृंगार करिए। माँ शैलपुत्री मंगल शांति की पूजा के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। तो जिन लोगों के मंगल खराब हैं या मंगल का कोई दोष है, शनि राहु केतु से पीड़ित हैं या मंगल नीच के हैं, तो उन्हें आज के दिन की गई पूजा बहुत लाभ देती है। तो आपको करना क्या है, गाय का शुद्ध देसी घी अर्पित करना है माँ को और आरोग्य होने का आशीर्वाद मांगना है, मंगल को शांत करने का आशीर्वाद मांगना है और इस मंत्र का पाठ करना है। मंत्र लिख लीजिए, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वाभ्याम गतो अपि वा या स्मरेत पुनरिकाक्षाम सा ब्राह्मणांतरा सुचि। चलिए अब बता देता हूँ 12 राशियों के लिए कौन से होंगे आज 12 महामंत्र। तो मेष राशि वालों को 12 बार या 108 बार इस मंत्र का पाठ करना है, ओम दुर्गा। उसी के साथ साथ वृषभ राशि वालों को ओम दुर्गा तिशमनी, मिथुन राशि वालों को ओम दुर्गाद विनारणी, इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। कर्क राशि वालों को ओम दुर्गम छेदनी, इस मंत्र का जाप 12 बार करना है। सिंह राशि वालों को ओम दुर्गे साधनी, इस मंत्र का जाप 12 या 108 बार करना है। कन्या राशि वालों को ओम दुर्गा नाशनी, ये नाम का पाठ 12 बार या 108 बार आप कन्या राशि वाले कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तुला राशि वालों की, ओम दुर्गा तोद धारणी, इस मंत्र का जाप 12 या 108 बार करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनका क्या मंत्र, ओम दुर्ग निहंत्री, इसका जाप 12 या 108 बार आप कर लीजिए आज, बहुत बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों, ओम दुर्ग मापहा, इसका जाप 12 बार या 108 बार करने से कहीं ना कहीं आपको जीवन में कोई भी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, 7.5 भी कंट्रोल में होगी, तो इसका पाठ आप जरूर कर लें आज। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, ओम दुर्ग मज्ञानदा, इसका पाठ 12 या 108 बार आप जरूर कर लें, अति शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों, ओम दुम दुर्गे नमः, इसका पाठ 12 बार या 108 बार कर लें, अति शुभ रहेगा। आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, मीन राशि, ओम दुर्गमा, इस मंत्र का पाठ 12 बार करिए और माँ से यथाशक्ति आशीर्वाद लीजिए। तो ये था 12 लोगों के लिए 12 महामंत्र 12 उपाय, इसे आप आज से शुरू कर दीजिए और हर रोज मैं ऐसे ही लेकर आता रहूंगा आपके लिए हर रोज का राशिफल और उपाय। तो देखते रहिएगा हमें एस्ट्रो तक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।